अरे भाई कैमरा यहाँ घुमाओ, यहाँ घुमाओ, देखो धरती घूम रहा है, देखो 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 धरती घूम रहा है। हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग हरिहर धाम की ओर निकल पड़े हैं, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं और वहाँ का जो नज़ारा है आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो का मजा लीजिए। दोस्तों हम लोग श्री हरिहर धाम बगोदर पहुँच चुके हैं और इस मंदिर के संस्थापक श्री बाबा श्री अमरनाथ मुखोपाध्याय जो बंगाली पंडित थे। तो दोस्तों बताते हैं, इस मंदिर की दो गेट हैं, ये सामने वाली गेट और इसके पीछे उल्टा। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग। तो दोस्तों हम हरिहर धाम पहुंच चुके हैं और ये हमारे पीछे जो शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो चलिए यहाँ पूरा मंदिर का निवाना करते हैं। तो दोस्तों अब हम मंदिर की दूसरी गेट की ओर चलेंगे। तो चलिए, ये दूसरी तरफ की गेट की गली है जो चारों तरफ प्रसाद ही प्रसाद और यहाँ के फूल माला वगैरह मिलते हैं, और उसके बगल में एक नदी बहती है जो लोग जितने भी श्रद्धालु वगैरह हैं वो यहाँ आके नहाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आप लोग भी एक बार इस मंदिर में आने का कोशिश कीजिए दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का बहुत बड़ा शिवलिंग बनाया गया है और बहुत ही हमारे इलाके का फेमस मंदिर है। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग शिवलिंग की ओर चलेंगे और अपने पूरे मंदिर की पूरे आंगन की आपको पूरा सीन दिखाएंगे जो एक पार्क का तरह सजता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो पेड़ में जो दिख रहे हैं काले काले जो फल का तरह जो लटके हुए हैं, ये फल नहीं बल्कि ये चमगादड़ की झुंड है जो इस मंदिर के अगल बगल में दो तीन गाछ है जो पूरा चमगादड़ से भरे पड़े हैं। तो आप इन्हें गौर से देखिए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं जब देखा फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा कि शायद ये फल है, लेकिन जब गौर से देखा तो चमगादड़ दिखाई पड़ा। और ये देखिए पूरा चारों तरफ ये आंगन है जो मंदिर के, और चारों तरफ जो ये दूसरी गेट थी, और ये पूरा आंगन है, ये विवाह भवन है जो यहाँ पर मंदिर में विवाह वगैरह के लिए लोग आते जाते हैं, यहाँ विवाह किया जाता है। लेकिन चारों के अंदर जो है ये चमगादड़ जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे, मुझे लगा कि कोई फल है। तो फिर गौर से देखा तो पता चला कि नहीं, ये चमगादड़ है। मंदिर है और ये देख सकते हैं शिवलिंग है और जो मंदिर है मंदिर से जुड़े हुए हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, जिस तरह से नहीं लेके गया, लेकिन मैं अपने मंदिर का भी तस्वीर दिखाया। तो चलिए दोस्तों, ये शिवलिंग है, शिवलिंग में बहुत सारा मधुमक्खी छत लगा रहे हैं। मधुमक्खी का ये लीची का पेड़ जो मंदिर में लगाया गया है, जो लीची का फल भी लगे हुए हैं। और ये मंदिर है और ये शिवलिंग है, शिवलिंग में बहुत सारी मधुमक्खी यहाँ पर छत लगा हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। और चलिए मंदिर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं ये यहाँ के राधा कृष्ण मंदिर। और इसी का बगल से एक इधर से भी गेट बनाया गया है जो आप देख सकते हैं। चलिए हम गेट के बाहर की ओर चलते हैं। ये बगल से जीटी रोड जो है, जो फ्लाई ओवर दिख रहा है, ये फ्लाई ओवर है नेशनल हाईवे 2। आप लोग भी आ सकते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छा मंदिर है। तो ये शादी यहाँ पर शादी वगैरह किया जाता है, और ये शादी के मंदिर शादी के नाम से ज़्यादा। तो दोस्तों इस तरह के और नए नए ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और तो दोस्तों हरिहर धाम की जय, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।